आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट टू हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर सिक्स। चैप्टर सिक्स का भाग 13 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे, ये भाग 14 है। अब इससे पहले वाले भाग में किसके बारे में पढ़ रहे थे? जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे। अगर इससे पहले वाले भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अब इस भाग में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वाला भाग में हम पढ़े थे कि जहांगीर जो था उसकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहां के पिता का नाम था जहांगीर, जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। जहांगीर की मृत्यु होने के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां, ध्यान रखिएगा। राजगद्दी पर कौन बैठा है? शाहजहां। अब उसके बाद बात कर लेते हैं शाहजहां के जन्म के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बचपना के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका जन्म 1592 में हुआ, ध्यान रखिएगा। जन्म कब हुआ था? 1592 में। इसका जन्म 1592 में और इसकी माँ का नाम, इसकी माँ यानी माता का नाम, पिता आपको पता ही है, माता का नाम पिता तो पता ही है जहांगीर था, जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई था, ध्यान रखिएगा, जगत गोसाई, माता का नाम था जगत गोसाई और पिता का नाम क्या था? जहांगीर। और शाहजहां को पहले बचपन का नाम इसका खुर्रम था, ध्यान रखिएगा, खुर्रम। लेकिन कब ये कहा गया इसको शाहजहां? और एक बात, बहुत सारे बच्चे कमेंट में कर रहे थे कि दक्षिणी अभियान समझ में नहीं आया है, इसका दक्षिणी अभियान जो था वो समझ में नहीं आया, तो वही दक्षिणी अभियान भी इसमें हम समझाएंगे। तो चलिए, ये इसका नाम खुर्रम था, लेकिन इसको शाहजहां नाम कब पड़ा? इसने, जहांगीर ने इसको सौंपा दक्षिणी अभियान, यानी भारत के दक्षिण में दक्षिणी अभियान को सौंपा, कि जो जो भी दक्षिण में हीरो बन रहा है, इधर इधर जो भी भारत के दक्षिणी हिस्सा में हीरो बन रहा है, थोड़ा उनका फाइल निपटा कराओ। किसको जिम्मेवारी दिया गया? ये जहांगीर को दिया गया। सबसे पहला जो वजीर था, वजीर यानी के मलिक अंबर, मलिक अंबर का नाम पहले भी सुने, मलिक अंबर, मलिक अंबर, यही सबसे बड़ा था उस समय दक्षिणी भारत वाला क्षेत्र में, ये दक्कन के क्षेत्र में था, ध्यान रखिएगा, दक्कन, दक्कन यानी मुख्य रूप से ये था अहमदनगर, अहमदनगर का ये वजीर था, ध्यान रखिएगा, अहमदनगर का वजीर था। थोड़ा ये सब धनी थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो ये धनी कैसे हुआ था? ये टोडरमल जो था ना, टोडरमल की जो नीति थी, मतलब कृषि वाला जो नीति था, यानी कर प्रणाली जो था, बहुत ही बेहतरीन था। अकबर के दरबार में जो नरत्न था टोडरमल, उसकी जो कर प्रणाली थी, यानी कि नीति था, वो कृषि के बारे में बहुत बेहतरीन था। इसने कॉपी मार लिया था, वही नीति टोडरमल वाला नीति कॉपी मार लिया था, जिसके कारण थोड़ा ठीक ठाक ये धनी हो गए थे। और ये धनी हो गया था, इतना उछलने लगा था ये मलिक अंबर, ये दक्षिण में रहकर, यहाँ पर रहकर, कि यहाँ से ये जहांगीर के शासन से बोल रहा था कि हम आजाद हो गए, खुद से आओ, हमसे लड़ो। तो वही जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने खुर्रम को भेजा था कि वो हीरो बन रहा है, उसका फाइल निपटा कराओ। किसको? मलिक अंबर का फाइल निपटा करा। पहुंचा खुर्रम कौन? शाहजहां पहुंचा और फाइल निपटा दिया बढ़िया से इनका। और फाइल निपटाने के बाद जब पहुंचा वापस, तो इसको जहांगीर ने क्या कहा था? शाहजहां। आप अब आपको लोगों को समझ में आ गया है। चलिए एक बार और इसको समझा देते हैं। खुर्रम गया दक्षिणी अभियान में, मलिक अंबर सबसे बड़ा ताकतवर उस समय का, आप वजीर कह लीजिए, वजीर सबसे ज्यादा ताकतवर वजीर था, इसको हरा दिया गया, बाकी लोग अपने शांत हो गए। तो जैसे ही ये खुर्रम जो था ये मलिक अंबर को हराया, तो उसका नाम क्या पड़ गया? शाहजहां। किसने दिया? जहांगीर ने। अब शाहजहां की शादी कब हुई, इसकी शादी थोड़ा देख लेते हैं, शादी कब हुई और किससे हुई? शादी 1612 में हुई, किससे? मुमताज से। मुमताज, अब मुमताज कौन थी? ये जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी, ध्यान रखिए, आसफ खां की पुत्री थी। तो देखिए, ये मुमताज जो थी पुत्री थी, तो ये क्या हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई? जहांगीर की मृत्यु 1627 में मृत्यु हो गई। इससे पहले जैसे ये शाहजहां, इसका नाम पड़ा, तो दो को जागीर दिया गया, हिसार व फिरोजाबाद का जागीर दिया गया, हिसार व फिरोजाबाद, दो जगह का जागीर दिया गया। किसको? शाहजहां को बोला गया। किसने बोला? जहांगीर ने, कि ठीक ठाक राज करो, क्योंकि राजा तुम्हें ही बनना है, तो राज करो यहाँ पर, और देखो ये देखो कि शासन प्रणाली कैसे चलाया जाता है, सिर्फ युद्ध जीतने से ही नहीं होगा, तुम युद्ध जीतने में बढ़िया हो, लेकिन तुमको शासन की भी जानकारी होनी चाहिए, एक राजा कैसे हो। तो युवराज के तौर पर दो को इसको दिया गया जगह, हिसार और फिरोजाबाद का इसको युवराज नियुक्त किया गया। लेकिन उसके बाद किसकी मृत्यु हो गई? जहांगीर की मृत्यु हो गई, और राजा कौन बन गया? शाहजहां।
राजा बन गया शाहजहां। जैसे ही जहांगीर की मृत्यु हो गई, कई विद्रोह खड़े हो गए। विद्रोह कैसे खड़े होते हैं, जब राजा की मेन मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों को ये लगता है कि इसका लड़का ये क्या कर पाएगा, जबकि इन लोगों को याद नहीं था कि ये शाहजहां है, ये मलिक अंबर को यही फाइल निपटाया था, फाइल निपटाने के लिए यही जाता ही था। मुख्य रूप से जहांगीर तो आ जाता था, इसी को भेजता था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था। तो अब देखिए कई जगह से विद्रोह खड़ा हुआ, तो विद्रोह देख लेते हैं। विद्रोह सबसे पहला बुंदेलखंड में विद्रोह हो गया। बुंदेलखंड में क्या हुआ, विद्रोह हो गया। तो विद्रोह हो गया बुंदेलखंड में, तो क्या किया इसने, ये शाहजहां ने अपने सेना भेजा बुंदेलखंड में, सेनापति को भेजा, लेकिन इतनी जबरदस्त विद्रोह था कि इससे ना निपट पाया, इसके सेनापति से ना निपट पाया, जिसके कारण ये शाहजहां को जाना पड़ा, तब इन लोगों का फाइल निपटा। दूसरा ये अफगान ये स्वतंत्र हो गए थे बाद में, तो ये अफगान इसके सूबेदार इसी ने नियुक्त किया था, ये शाहजहां के सूबेदार थे। यहाँ पर दक्कन वाले क्षेत्र में जब मलिक अंबर को हराया गया था, तो यहीं का सूबेदार अफगान के एक शासक को नियुक्त किया गया था, अफगान वालों को नियुक्त किया गया था सूबेदार। लेकिन क्या हुआ जहांगीर के मृत्यु के बाद इसने भी विद्रोह खड़ा कर दिया। जब देख रहा है, देखिए मुसीबत आता है चारों तरफ से आता है, एगो इसके पिता मरे हैं, ये बुंदेलखंड वाला ये फाइल निपटा नहीं, तब तक ये अफगान वाला विद्रोह कर दिया। उसके बाद देखिए कौन विद्रोह किया, पुर्तगाली भी एंट्री हो चुके थे, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाल वाला अंग्रेज आकर परमिशन मांग कर गए, तो अब अंग्रेज अभी छोटे हैं, पुर्तगाल बहुत बड़ा हो चुका था। देखिए पुर्तगाल वालों ने भी विद्रोह कर दिया। अब पुर्तगाल वाले क्या विद्रोह कर दिए, पुर्तगाल वाले विद्रोह कर दिए कि ये परमिशन थोड़ा सा मांगकर काम बहुत ज्यादा कर रहे थे, मतलब परमिशन थोड़ा सा मांगे कि हम यही इतना तक ही हमारा क्षेत्र रहेगा, हम इतना ही काम करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ करने लगे और राजा के कामों में दखलअंदाजी करने लगे। वो उनको लगता था कि ये जितने भी हम मतलब जितने भी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, जितने भी जगहों पर, वो हम शासन हमारा है, हम अपने से शासन करेंगे। इसको ये नहीं समझ में आ रहा पुर्तगालियों को कि हम इतनी दूर से आए हुए हैं, ये सेना यहाँ पर इतना बड़ा रखा, वो क्या कर देगा, इन लोगों को पता नहीं था। तो बार बार उछल रहे थे। देखिए सिक्का जो होता है ना, सिक्का का वजन ज्यादा होता है, भले ही वजन ज्यादा लेकिन वैल्यू कम होता है, सिक्का का वजन ज्यादा होता है। और एक बात, हल्का सा सिक्का को हिलाने पर, हल्का सा हिलाने पर खूब चिल्लाता है सिक्का, खूब बजता है ना सिक्का, लेकिन यही नोट रहता है, तो नोट को कितने भी हिलाइए डुलाइए वो बजबे नहीं करे। क्यों? क्योंकि नोट में गंभीरता होती है, नोट ज्यादा होता है और उसमें गंभीरता होती है, लेकिन वही सिक्का 2-4 रुपए का सिक्का रहेगा, खूब तेज चिल्लाएगा यानी खूब आवाज करेगा, थोड़ा सा हिला दीजिए, वैसे ही ये पुर्तगाली थे बहुत कमजोर, और थोड़ा सा हवा का झोंका आने पर, हवा का झोंका का मतलब क्या हो, थोड़ा सा कुछ मिलने पर इन लोग चिल्लाने लगते थे कि हम क्या हुए, हम आजाद हो गए। तब तक इन लोगों का भी सेना भेजकर क्या किया, पुर्तगालियों का भी फाइल निपटा दिया। तब फिर दक्षिणी अभियान में फिर यहाँ पर फिर विद्रोह चालू हो गया। इस बार इसने अपना बेटा, इसका बेटा का नाम था औरंगजेब को भेजा दक्षिणी अभियान के लिए। जैसे ये दक्षिणी अभियान के इसके पिता भेजे थे, ये औरंगजेब को भी भेजा दक्षिणी अभियान के लिए, ये भी ठीक ठाक। यहीं पर बार बार यहीं पर ये लोग विद्रोह उत्पन्न, बार बार पिटाता था, बार बार ये पिटाएगा, लेकिन फिर भी मानेगा नहीं, फिर उछलकर फिर खड़ा, फिर आकर फिर, तो फिर ये जो औरंगजेब था फिर फाइल निपटाया, इन लोगों का फिर जाकर फाइल निपटाया, फिर देखिएगा फिर उछलकर आएंगे। अब देखिए इसकी जो पत्नी थी शाहजहां की पत्नी मुमताज, इसके कुल 14 बच्चे हुए, ध्यान रखिएगा 14 बच्चे, जिसमें 7 बच्चों की मृत्यु हो गई, 7 गो ही बच्चे जिंदा रह पाए। क्यों? क्योंकि बच्चों के कमजोरी के कारण हर होता ये था ना कि हर एक साल पर बच्चे का जन्म होता था, जिसके कारण ये मुमताज अंतिम 14वां बच्चा का जन्म देते समय मुमताज की ही मृत्यु हो गई, जिसके कारण ये जो शाहजहां था इसको काफी गहरा धक्का लगा। इसकी मृत्यु होने के बाद, मुमताज की मृत्यु होने के बाद काफी गहरा धक्का लगा। बहुत दिनों तक तो ये उस बात से उभर ही नहीं पाया कि मुमताज की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद आपको पता ही है कि मुमताज के याद में क्या बनवाया है, ताजमहल बनवाया है, ध्यान रखिएगा। मुमताज की याद में क्या बनवाया है, इसने ताजमहल बनवाया मुमताज के याद में। तो हम लगता है कि बहुत अच्छा, समझ में इतना कुछ आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये दक्षिणी अभियान के बारे में भी समझ में आ गया होगा, ये मुमताज के बारे में भी समझ में आ गया, हिसार और फिरोजाबाद की इसको जागीर मिला था।
हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।